तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और सिडनी में एक ऐतिहासिक ड्रॉ भारतीय क्रिकेट टीम ने किया। वहीं इसी टेस्ट के अंदर भारतीय क्रिकेटर्स को रेसिस्ट स्लर्स यानी कि रंगभेदी टिप्पणियां झेलनी पड़ी ऑस्ट्रेलियन क्राउड्स के द्वारा। तो आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक ड्रॉ के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे रंगभेदी टिप्पणियां यानी कि रेसिस्ट स्लर्स के बारे में ऑस्ट्रेलिया में ये किस तरीके से प्रेवेलेंट हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। साल 2018 भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी और उसके बाद वहां के बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने कहा था भारत इसलिए जीत गई क्योंकि यहां पर वार्नर और स्मिथ दोनों नहीं खेल रहे हैं, अदरवाइज भारत के कोई चांस ही नहीं थे। तो भाई अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो पिछला मैच भारत ने जीता और ये वाला मैच भारत ने हार के चंगुल से छूट के ड्रॉ की ओर मोड़ दिया। और एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जब जीतने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे थे और वो भी तब जब स्मिथ और वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया के लिए ना कोहली हैं ना केएल राहुल हैं, उमेश यादव, शमी, ईशांत, जडेजा, पंत, विहारी या तो इंजर्ड हैं या अनअवेलेबल हैं। पंत ने इंजरी के बाद 97 रन की धाकड़बारी खेली, वो भी 82 की स्ट्राइक रेट से, और उस वक्त भारत जीत की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद जब वो आउट हुए तो हनुमान विहारी ने 161 बॉल खेली मैच को ड्रॉ करने के लिए, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद। और अगर कोई आउट होता तो जडेजा पैड अप करके बैठे हुए थे, वो भी तब जब उनके लेफ्ट हैंड का अंगूठा टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है। अश्विन ने 128 बॉल्स खेली मैच को ड्रॉ करने के लिए और वो भी तब जब टिम पेन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान अश्विन को बैकफुट पे लाने के लिए बार बार पीछे से कमेंट मारे जा रहे थे और अश्विन ने टिम पेन को भी पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया। टिम पेन ने अश्विन से कहा कांट वेट टू गेट यू एट गावा एश, और अश्विन ने टिम पेन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कांट वेट टू गेट यू एट इंडिया, That will be your last series. वैसे तो ये स्ट्रैटेजी थी अश्विन को अपसेट करने की, मगर अगले ही ओवर में टिम पेन अपसेट होते हुए दिखाई दिए और अकमल को अपना आइडल मानते हुए इतनी आसान सी कैच छोड़ दी। और इसे देखकर अकमल ने कहा मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। ऑस्ट्रेलिया के पुराने दिग्गज कह रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को 250 का भी टारगेट देती है चौथी इनिंग में तो भारत हार जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 406 यानी कि 406 का टारगेट दिया और भारत ने एक टाइम पर ऐसा दिख रहा था कि भारत मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर भी भारत ने मैच को ड्रॉ कर दिया डिस्पाइट ऑल द इंजरीज। वहीं दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ी को रेशियल अटैक भी झेलना पड़ा। बुमराह और मोहम्मद सिराज को रेशियल स्लर्स बोले गए क्राउड के द्वारा। उन्हें मंकी, वैंकर, ब्राउन डॉग और मां की गालियां दी गई। कहा गया ब्राउन डॉग्स गो होम, वी डू नॉट लाइक यू। और ये सब कुछ थर्ड टेस्ट के थर्ड दिन, और यहां पर कहानी नहीं रुकी। अश्विन ने यह कहा था कि अगर आगे भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम कंप्लेन करेंगे। उसके बाद चौथे दिन भी इसी तरीके की चीजें हुई, रेशियल अटैक क्राउड के द्वारा प्लेयर्स पर किया गया और उसके बाद कंप्लेन की गई। उसके बाद क्राउड में से 6 लोगों को बाहर फेंक दिया गया। कोहली ने इसे अनअसेप्टेबल बताया। सचिन की भी प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे बड़े लोगों की प्रतिक्रिया आई, मगर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोगों की यहां पर प्रतिक्रिया नहीं आई। और इस तरह के रंग भेदी जो टिप्पणियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया में काफी आम हैं, और चाहे स्पोर्ट्स हो या नॉन स्पोर्ट्स हो हर जगह ये चीजें दिख जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म का काफी बड़ा इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन रेस लगभग 1,00,000 सालों से रह रही है, और जो कोलोनाइजेशन थी या फिर यूरोपियंस का जो ऑस्ट्रेलिया में पदार्पण था वो 1788 से होता है। जब यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया में घुसते हैं तो उसके बाद स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी वहां पर होती है और वो एक एपिडेमिक बन जाती है जिससे बहुत सारे नेटिव ऑस्ट्रेलियंस मारे जाते हैं, और नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के लिए पहली बार जो वैक्सीन लाई जाती है वो लाई जाती है 1840 में, यानी कि ऑलमोस्ट 80 साल बाद। बीमारियों से तो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस मर ही रहे थे, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को मारे जाने की वो थी रेसिज्म। स्लेवरी से लेकर अनेकों प्रताड़नाएं नेटिव ऑस्ट्रेलियंस ने झेली व्हाइट्स के हाथों, और हालत आज ऐसी है कि नेटिव ऑस्ट्रेलियंस
ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3.3% है, बाकी सब वाइट्स। अगर इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 2007 से लेकर 2010 तक बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें प्रीडोमिनेंटली इंडियंस को टारगेट किया गया, और अभी भी थोड़े बहुत केसेस इस तरीके के आते रहते हैं। 2017 में भी एक केस ऐसा आया था जिसमें इंडियन रेस की वजह से उसको टारगेट किया गया था। 2009 में इंडियंस के ऊपर होते हुए इस रेशियल अटैक ने मीडिया में एक बहुत बड़ी जगह बनाई थी और देश विदेश की मीडिया ने इसको काफी कवर किया था। 2009 और उससे पहले जो फर्क था वो ये था कि 2009 से पहले 20-30 हजार लोग ही, 20-30 हजार स्टूडेंट ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते थे। 2009 से ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच गया था और इसी वजह से उनके ऊपर रेशियल अटैक्स भी होने लगे थे, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का जो मेन पर्पस था वो वहां पर केवल पढ़ना नहीं था, उन स्टूडेंट्स का वहां पर मेन पर्पस ये होता था कि वहां पर जॉब करेंगे और सिटीजनशिप ले लेंगे। और अगर बात करें स्पोर्ट्स में किस तरीके से रेसिज्म होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहां के एक स्पोर्ट्स हिस्टोरियन है जिनका नाम है कोलिन टेट्स, उन्होंने 1995 में कहा था कि जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियन केवल तभी बोला जाता है जब वो जीत रहे होते हैं, जब वो जीत नहीं रहे होते हैं तो वो अबॉर्जनीज हो जाते हैं। टेट्स की एक किताब है जिसका नाम है ऑब्स्टिकल रेस, और उसमें इस तरीके के बहुत सारे रेशियल स्लर्स वहां के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर जो किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां पर नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को रेशियल स्लर्स का सामना करना पड़ता है, और 1927 से 2020 तक ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स सामने आए हैं। फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा लीजिए और इस तरीके के रेशियल स्लर्स हर स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। वहीं स्पेसिफिकली अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी इस तरीके के कई एग्जाम्पल्स हैं। क्रिकेट में 1900 से 1930 तक कई ऐसे प्लेयर्स आए जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे और उनको रेशियल स्लर्स का सामना करना पड़ा था। गिलबर्ट, टेकमार्श, एल्बर्ट हेनरी, ये तीन वो नाम हैं जो इन्होंने 1900 से 1930 के बीच में इस तरीके के रेशियल स्लर्स को झेला था क्रिकेट में, और ये नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे। 2003 में डैरन लेमन को 5 वनडेज के लिए बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने रेशियल ऑब्सिनिटी दिखाई थी श्रीलंकन प्लेयर्स के अगेंस्ट। 2006 में साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के क्राउड के द्वारा इसी तरीके के रेशियल स्लर्स झेलने पड़े थे। अश्विन ने कल कहा था कि इस तरीके के रेशियल अटैक्स टीम पर पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इस बार चुप नहीं रहेंगे और इस मुद्दे को ऊपर उठाएंगे। और ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में तब हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया में काफी कड़े लॉ हैं रेसिज्म के अगेंस्ट। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, क्या केवल ग्राउंड से उठाकर बाहर निकाल देना इनफ है या इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो देखना होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, दोनों ही के जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं bhokalfactory.com से, उसके भी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।